क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इस टाइप के सवाल डायरेक्ट आपके झारखंड के एग्जाम में देखे गए हैं। ये वाला सवाल तो आपका जेएसएससी सीजीएल में आया है और इस टाइप के सवाल भी झारखंड एसएससी में पूछा गया है कई बार और इस टाइप का, ठीक है। तो भैया मॉडल सीट में ऐसा सवाल को लगाना एकदम बनता है, 100% आपको ऐसे सवालों पे प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जिस टाइप के भी सवाल बनते हैं आपको तोड़ना चाहिए, ठीक है। और भाई जिनको अगर समस्या हो रही है मैथ्स में तो आप एक बार हमारा 399 वाला कोर्स आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी आपका लिंक दिया हुआ है, बाकी सारा का सारा नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है 11 नंबर सवाल कि इफ़ एक्स इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू देन एक्स माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू क्या होगा। बेहद ही आसान सवाल है, ऐसे सवालों को समझना होगा आपको कि इनको एग्जाम में कैसे तोड़ना है। आपको एक्स का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है रूट थ्री प्लस रूट टू, तो आप सोचेंगे कि सर एक्स की जगह पर रूट थ्री प्लस रूट टू रख के हम कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे ही आप x की जगह पे रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू रखेंगे, आपका कैलकुलेशन मुश्किल दिखेगा, ठीक है, मुश्किल दिखेगा और आप समय दे देंगे ज़्यादा। नहीं, ऐसे सवालों को समझिए, समझिए ध्यान से ज़रा कि अगर x का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू है तो आपको डायरेक्टली वन अपॉन एक्स का वैल्यू रूट थ्री माइनस रूट टू लिखना है एकदम डायरेक्टली। अगर एक्स का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू दे रखा है तो वन अपॉन एक्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली रूट थ्री माइनस रूट टू लिखना है। ये चीज़ आया कैसे, कैसे लिखेंगे तो थोड़ा इस सीन को समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बोला कि सर अगर x का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू दे रखा है तो वन अपॉन x का वैल्यू आप रूट थ्री माइनस रूट टू डायरेक्टली लिख लीजिए। बस आपको देखना क्या होता है कि इनका स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा वन आना चाहिए, इनका स्क्वायर का डिफरेंस वन आना चाहिए। रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, इनका डिफरेंस हमेशा क्या क्या चाहिए हमें, वन चाहिए। जब ये वन रहेगा ना तो अगर x का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू है ना तो वन अपॉन x का वैल्यू हम डायरेक्टली रूट थ्री माइनस रूट टू लिखेंगे। कैसे, तो ये चीज़ जानने के लिए आपको करना होगा परिमेयकरण। क्या करना होगा, परिमेयकरण। तो जी x का वैल्यू क्या दिया है रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, तो हम अगर आपसे पूछे कि सर वन अपॉन एक्स को हम क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आप इसको लिख दीजिए रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए रूट थ्री माइनस रूट टू से और रूट थ्री माइनस रूट टू से कर दीजिए रेशनलाइज परिमेयकरण, ठीक है। तो नीचे आप देखिए ध्यान से क्या बना है, रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू। नीचे हमारा हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, तो तीन में दो गया तो नीचे हमारा वन बन गया और ऊपर हमारा क्या बच गया रूट थ्री माइनस रूट टू, और तीन में दो गया तो क्या बना वन बना और हम इसको सिर्फ रूट थ्री माइनस रूट टू लिखेंगे क्योंकि अगर बट्टा में वन है तो इसका कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है इसमें। अब देखिए, अब ये चीज़ आपको एग्जाम में इतना काम करने से बचा सकता है, कौन सा एक छोटा सा चीज़, आपको बस देखना है कि इनका स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा वन आना चाहिए। तो अब देखिए रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का स्क्वायर टू, इनका डिफरेंस हमेशा क्या आया वन आया। इसका मतलब अगर एक्स का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू दिया है तो वन अपॉन एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू। अब ये चीज़ आपको मालूम हो गया तब आप एग्जाम में ऐसे सवालों में समय बिल्कुल नहीं देंगे और आप इसको वर्बली सॉल्व कर देंगे, ठीक है, वर्बली सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान दीजिए सर क्या दिया हुआ है,
एक्स का वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू दिया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमसे पूछा है, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया है, रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट रूट थ्री माइनस रूट टू हो जाएगा, और बाहर में क्या है माइनस है, मतलब अंदर रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा, और ये हमारा माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, टू रूट टू, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुदेव, टू रूट टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवालों को तोड़ना होगा, इस तरीके से सवालों को तोड़ना होगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, और ऐसा सेम सवाल आपका JSSC 2016 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आप पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 देन, तो इफ मतलब देखिए, इफ मतलब यदि होता है और देन मतलब तो या तब लिख लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ही है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर का डिफरेंस देख ले वन है तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 तियाई 48, तो 49 में 48 गया, यहाँ से क्या आया 49 और यहाँ से क्या आया 48, डिफरेंस कितना आया 1 आया, मतलब भैया बात हमारा बन गया। अगर x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है तो 1 अपॉन एक्स बराबर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3, और हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा अलजेब्रा वाले सेक्शन में मैंने ऐसा कई सवालों को डील किया है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, x इक्वल टू क्या है 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस, अच्छा प्लस है 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन x क्या है 7 माइनस 4 रूट 3 और इनका क्या है होल स्क्वायर माइनस में क्या है 2 है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 7 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 गया 194, तो जी इसका आंसर हमारा क्या आ गया 194, हमारा क्या आ गया इसका आंसर आ गया डायरेक्टली 194 क्या आ गया डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं, 13 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, देखिए ऐसा सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको समझना होगा, चलिए 13 नंबर सवाल को हम समझाते हैं। कहता है कि यदि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। सवाल कहता है, सुनिए हिंदी में, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दो मूल हैं, क्या है दो मूल हैं, दो रूट्स हैं, तो वन तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो मैंने आपको हिंदी भी बता दिया। देखिए इसमें कुछ भी हिंदी इंग्लिश नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पहले इसी चीज़ को समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन को कहते हैं, द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना 2, मैक्सिमम पावर कितना 2 हो। तो आप ध्यान दीजिए कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा इक्वल टू 0, ये क्या है, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो अब ध्यान दीजिए कि 2
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका भी क्या है, मैक्सिमम पावर हमारा क्या है, दो है। अब आप जरा इन दोनों इक्वेशन का तुलना एक बार कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो ए के जगह पे क्या है, टू है। ए के जगह पे क्या है, टू है, तो भैया ए का वैल्यू क्या है, टू है। एक्स के जगह पर एक्स है, बी के जगह पे क्या है, तो आप कहेंगे सर बी के जगह पे ना माइनस का सेवन है, ठीक है। और सी के जगह पे क्या है, आप कहेंगे सर सी के जगह पे हमारा ट्वेल्व है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो आपको दो चीज़ याद रखना है। एक याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। दूसरा याद रखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। हिंदी में इसको कहते हैं मूलों का योग, इधर लिख देते हैं मूलों का योग, और इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए। अब इसी कंसेप्ट से आपका इस टाइप का सवाल जो है टूटेगा एकदम तरीके से, ठीक है, टूटेगा एकदम तरीके से। तो अगर हम यहीं पे आपसे पूछ दें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस बी बाय ए, तो इस इक्वेशन का मूलों का जोड़ क्या होगा, तो माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस माइनस का सेवन और एक माइनस पहले से है अपॉन टू, मतलब ये सात बटा दो क्या हो जाएगा, मूलों का जोड़। अगर हमसे मूलों का गुणनफल पूछ देना तो हम कहेंगे सी बाय ए, सी हमारा क्या है, बारह, और ए हमारा क्या है, दो, मतलब बारह को दो से भागा दें तो क्या, छः हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक झलक दे दी है भैया, कि ना, और यही इसका मेन थीम है, यहीं से कई तरीका का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक ये हमारा इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या है। आपको दो ही चीज़ मालूम होता है, एक तो ये मालूम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा मालूम होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। मतलब आपको दो ही चीज़ मालूम होता है, एक सम ऑफ रूट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल। समझिए ठीक से, सिखा रहे हैं, आप सीखिए बढ़िया से, ठीक है, सीखिए बढ़िया से। अब हमसे पूछा है भैया ये चीज़, पूछा है ये चीज़, इसका मतलब ये है कि इसको सोल्व करके इस और इस फॉर्म में लाना होगा, इन दोनों फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसको तोड़ते हैं, देखिए अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा सीख लीजिए, सिखा रहे हैं, और बीटा अपॉन अल्फा जब इसको तोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, और ऊपर मेरा हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू हम लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, मतलब टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आप जरा गौर से देखिए, जो हमें मालूम है वही हमारा आया कि नहीं इसको सोल्व करने के बाद। देखिए अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा आया, और अल्फा इंटू बीटा आया। अब देखिए जरा ध्यान से, ये टर्म हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा
सी होता है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका तुलना इस वाले से आप कर दीजिए। तो जी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी माइनस बी बाय ए, लेकिन यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का सात बटा दो और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस टू इंटू। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, तो सी हमारा क्या है बारह, बारह बटा दो, बारह बटा दो अपोन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, मतलब बारह बटा दो। तो बारह बटा दो क्या, हम इसको बारह बटा दो, चलिए बारह बटा दो लिख दिया आपको समझने के लिए। अब आप ध्यान दीजिए, ये दो से कट जाएगा छः, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सात का स्क्वायर उनचास बटा चार माइनस बारह और बटा में क्या छः हो जाएगा। अब बारह चौके अड़तालीस, उनचास में अड़तालीस गया तो क्या एक बटा चार और एक बटा चार हमारा नीचे होगा, मतलब एक बटा चौबीस इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा है तो आगे भी पूछने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, अलजेब्रा वाला सेक्शन में मैंने पढ़ाया है बिल्कुल डिटेल से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हमारा आखिरी था अलजेब्रा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है तो भैया आने की संभावना है, इसीलिए मॉडल सेट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है और जो अभी तक आया है उसके बेस्ट पे आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। भाई ध्यान से हल्के में मत लेना, बढ़िया से पढ़ो और चीज़ों को समझो, ठीक है। ध्यान दीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन को हम हिंदी में समझा देते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑफिसर बनने चले हैं तो भाई थोड़ा सा अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आता है फिर भी हम आपको यहाँ समझाते हैं। कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेनस इज पी सेंटीमीटर एंड अ साइड इज क्यू सेंटीमीटर, इफ पी माइनस क्यू इक्वल टू वन देन फाइंड थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण P सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण P सेंटीमीटर है और एक भुजा Q सेंटीमीटर है, और एक भुजा Q सेंटीमीटर है। यदि P माइनस Q बराबर एक है, P माइनस Q बराबर एक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो तीसरी भुजा ज्ञात करें, तीसरी भुजा क्या होगा। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज का बात है तो भैया आपको समझाना है तो एक राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज बनाना तो बनता है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब एक साइड 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, जो आपका दिया हुआ क्या है पी है, क्या है पी है। और एक साइड इन दोनों में से कोई एक साइड मान लेते हैं ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है, तो तीसरी साइड ये वाला साइड, ये वाला साइड का लेंथ हमसे पूछा है कि ये तीसरी साइड क्या होगा, तीसरी साइड क्या होगा। समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले नाम दे देते हैं इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, समझना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम लिखेंगे कि भैया मेरे ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या है पी है, मतलब ये हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर ए बी मालूम नहीं है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जरा सोचिए मेरे भाई, अब जरा सोचिए मेरे दोस्त कि पी स्क्वायर माइनस, अगर हम क्यू को इधर ले आए, क्यू को इधर ले आए तो हम इसको लिखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए बी का स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान दीजिए, समझिए बात को। बोला है जो हमारा थर्ड साइड हुआ ए बी, क्या हम इसको ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये जो मेरा तीसरा साइड हुआ वो हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, बोला है कि जो हमारा पी माइनस क्यू है ना मेरे भाई, ये वन है। पी माइनस क्यू है वो हमारा क्या है, वन है। पी माइनस क्यू है वो हमारा क्या है, वन है। पी माइनस क्यू है वो क्या है हमारा, वन है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो और पी माइनस क्यू हमारा क्या दिया हुआ, वन दिया हुआ। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा रूट के अंदर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे भाई पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या दिया है, वन दिया है। पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या दिया है, वन दिया है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर पी प्लस क्यू, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम सीधा लिख सकते हैं रूट अंडर पी प्लस क्यू। क्या, रूट अंडर पी प्लस क्यू, और यही हमारा क्या होगा, आंसर है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कंडीशन दिया है तो इसका भी तो यूज़ करना होगा ना, इसको छोड़ नहीं ना देंगे। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये वाला कंडीशन तो हमारा यूज नहीं हुआ, इसका भी यूज करना होगा सवालों में, सोल्यूशन में। तो इसका यूज करने के बाद क्या हुआ, पी प्लस क्यू, रूट अंडर पी प्लस क्यू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ में आया आपको बेहतर ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, एकदम एग्जाम में आया हुआ भी है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए ऐसा सवाल आपका ना दरोगा में आया हुआ है, दरोगा में आया हुआ है। तो क्या जो चीज़ दरोगा में आया हुआ है वो आपका और एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, संभावना है। कहता है कि द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज, एक सम षटभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, सीखिए, थोड़ा सिखाते हैं। सम षटभुज, सॉरी, रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज किसको कहते हैं, सम मतलब बराबर और षट मतलब छः, छः बराबर भुजाओं वाला एक हमको फिगर बनाना है, जो कि बंद आकृति होगा, क्लोज्ड फिगर होगा, जिसमें छः भुजा होगा और छों का क्या होगा, बराबर होगा। जैसे त्रिभुज में तीन बराबर भुजा है तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज में चार बराबर भुजा है तो उसको क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। उसी तरीका से रेगुलर हेक्सागन में छः बराबर भुजा होता है, हेक्सा मतलब क्या होता है, सिक्स होता है। तो अब इसको आप ऐसे समझिए, वैसे तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा लेकिन आप उसको भूल जाइए, ये चीज़ ना आपको याद रहेगा। तो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका छः भुजा क्या है, बराबर है, एक भुजा, ऐसे दो भुजा, ऐसे तीन भुजा, ऐसे चार भुजा, और ये हमारा क्या हो गया, पांचवा भुजा। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा भुजा। और हर एक साइड हमारा क्या है, बराबर है, सब का सब क्या होता है इसमें, बराबर होता है। इसी को कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। अब ध्यान दीजिए, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से हम हर एक शीर्ष को, हर एक वर्टेक्स को मिला दिए, हर एक वर्टेक्स को मिला देते हैं, हर एक वर्टेक्स को मिला देते हैं, हर एक शीर्ष को मिला देते हैं। जब हर एक शीर्ष को मिलाते हैं ना मेरे भाई, जब हर एक वर्टेक्स को मिलाते हैं ना,
तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है ना, इसके अंदर आपको छः ट्रेंगल दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 का 6 ट्रेंगल है ना, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब हर जगह क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो पूछा है कि आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा। तो भाई आंतरिक कोण, इसका अंदर का एक कोण यही ना हुआ भाई, एक कोण ये हुआ, एक कोण कितना 120 डिग्री का हुआ। अब बाहरी कोण, अगर हम इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा दें, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें, तो आप एक बात बोलिए कि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है। आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, तो बाहर हमारा कितना होगा, आप कहेंगे सर 60 डिग्री होगा। इसका मतलब अंदर का कोण 120 होगा और बाहर का कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 60 × 120, मतलब 2:1 इसका क्या होगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये क्या होगा, 2:1। और इसका आंसर क्या था, रूट अंडर पी प्लस क्यू क्या था इसका आंसर था, और इसका आंसर ये। देखिए दो झकास क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से आपके झारखंड के कई एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस बनता है मेरे दोस्त, और इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। कहता है सवाल कि फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल विच इज 300 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ब्रिज लेइंग ऑन अ ग्राउंड आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो कहता है कि पुल का लंबाई कितना है, हिंदी में पढ़ देते हैं मेरे दोस्त। कहता है कि किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से, किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से पुल के दोनों सिरों का अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। अब एक ऐसे पुल बिछा हुआ है और आप ऊपर से देख रहे हैं, पुल के इस साइड और पुल के इस साइड, दोनों साइड देख रहे हैं आप, तो ऊपर से देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एक साइड 45 डिग्री और एक साइड 30 डिग्री बन रहा है। तो पुल का लेंथ क्या है, देखिए ऐसे, ठीक है ऐसे देखिए, ये हमारा, ध्यान से देखिए, ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप एक बार इधर देखें और यहाँ से एक बार इधर देखें, दोनों तरफ, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी छोर है ब्रिज का। देखिए आप 300 मीटर ऊंची चोटी पे हैं, मतलब आप एकदम 90 डिग्री ऊपर खड़ा है यहाँ पे, और अब यहाँ से इधर देख रहे हैं और यहाँ से इधर देख रहे हैं। एक बार हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री और एक बार हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री। तो कहता है कि पुल का जो लेंथ है ए और बी वो कितना है, ए से बी का लंबाई कितना है। अब आप जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, एक बात बताइए, ठीक है, मैंने आपको ट्रिगो में क्या बताया है, मैंने पूरा ट्रिगो के हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो से चीज़ों को देखना सिखाया है, रेशियो से चीज़ों को देखना सिखाया है। अब आप ध्यान दीजिए कि हम इसको हम सी माने और इसको डी माने, तो जी सी डी का लेंथ कितना है, आप कहेंगे सर सी डी तो 300 मीटर ऊंचा है, 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा कितना का एंगल होगा, आप कहेंगे सर 60 डिग्री का है। आप एक बात बताइए, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, अनुपात, आप कहेंगे सर √3 होता है, ठीक है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, 30 के सामने क्या 1 और 60 के सामने क्या √3 होता है। अब ध्यान दीजिए, इधर वाला जो हमारा ट्रेंगल है CDE, इसका ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो भैया ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये साइड, ये DB और CD हमारा क्या होगा,
बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोण के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, समझने के लिए हम लिख देते हैं, DC इक्वल टू क्या होगा, DB होगा। DC इक्वल टू क्या होगा, DB होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये हमारा 1 है तो DB भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। DB भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि A से D हमारा √3 है और D से B हमारा कितना, 1 है। तो A से B हमारा कितना होगा, AB हमारा कितना होगा, आप कहेंगे सर √3 + 1 होगा हमारा AB का लेंथ। लेकिन आप कितना ऊंचा से देख रहे हैं, आप 300 मीटर ऊंचा, और ये D से C का हमारा अनुपात क्या है, बोलेंगे सर ये 1:1 है। अगर एक अनुपात का वैल्यू 300, यही ना 300 मीटर ऊंचा चोटी है भाई, यहीं से ना आप देख रहे हैं। तो सीढ़ी का हाइट हमारा क्या है, 300 मीटर, और अनुपात में कितना है, कहेंगे सर 1:1। अगर एक अनुपात, अगर एक का वैल्यू 300 है तो √3 + 1 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर 300 × √3 + 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, पुल का लंबाई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को इसी तरीका से तोड़ना होगा मेरे भाई, डिटेल में जाएंगे, कैलकुलेशन लंबा होगा। ये ABCD मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बशर्ते एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अगर चैप्टर पे कमांड है तो ठीक है, देख लीजिए। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17-18। ये दोनों टाइप आपके झारखंड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, झारखंड दरोगा सचिवालय या आपका पंचायत सचिव, आप उनका पेपर एक बार देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, या जो आपका टीचर वाला परीक्षा होता है उसमें भी, ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल आपको डिटो दिखेगा, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, समझाते हैं। कहता है कि इफ़ द 3 angles of a triangle are x + 15 degree, 6x / 5 + 6 degree and 2x / 3 + 13 degree, then the triangle is। कहता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण x + 15 degree, 6x / 5 + 6 degree एंड 2x / 3 + 30 degree है, तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज विषमबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समकोण है, कैसा त्रिभुज है, ये आपसे पूछा है। त्रिभुज कैसा है, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, त्रिभुज कैसा है, कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको बताएं ट्रायंगल कितना टाइप का होता है, एंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे, सब कुछ बताएं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आपको ये चीज़ मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही मिलेगा। ज़रा जोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, x + 15 degree + 6x / 5 + 6 + 2x / 3 + 30 = कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। जोड़ दीजिए जरा मेरे भाई, 15 + 6 = 21, 21 + 30 = 51 डिग्री। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, पूरा डिटेल में लिख दे रहे हैं, x + 6x + 5 + 2x / 3 + 51 = 180 डिग्री। ये सब डिग्री में है, ठीक है, 180 डिग्री। देखिए इतना कैलकुलेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी, जिनको समझ में नहीं आता है, वो समझ सके और वो आगे बढ़ सके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तेज बच्चा को ही समझ में आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारा एक मोटिव ये है कि भाई जिनको एकदम मैथ नहीं आता है
वो भी सीखने का कोशिश करें और वो भी इन चीज़ों को समझें ताकि उनका भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो, वो भी नौकरी कर पाएँ। सबको लेके चलना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब क्या हम इस 51 को उधर ले जाएं? बोलेंगे सर बिल्कुल इधर ले जाइए और इधर घटा दीजिए, ठीक है 51, ठीक है। अब ज़रा इसको जोड़िए, कितना कितना एलसीएम होगा, 5 तिहाई 15, कितना होगा 15, तो ये हो जाएगा 15x + 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18x + 3 5 15, 5 × 10x = देखिए 80 में 51 गया तो 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 7 में 5 गया 2, 129, कितना बचा जी 129। ध्यान दीजिए अब ज़रा इसको जोड़िए, ये हो गया आपका 15 और 18, 33 33 और 10 43, ये हो गया 43x, और 15 को उधर गुना में ले जाते हैं तो 129 × 15। भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि हमको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना कैलकुलेशन एग्ज़ाम में करना ठीक बात नहीं है, बिल्कुल घटिया बात है। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और कैलकुलेशन को तेज़ी से और कम स्टेप में आप आंसर को लाइएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए ध्यान से। तो अब देखिए 29 तिहाई 143, तो एक्स बराबर कितना आया 15 तिहाई 45 डिग्री, एक्स बराबर कितना आया 15 तिहाई 45 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया 15 तिहाई 45 डिग्री। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और जो हमारा 3 एंगल दिया हुआ है ना, उसके जगह पे हम x का वैल्यू 45 डिग्री को पुट करते हैं। यही 3 एंगल दिया हुआ है ना, यही हमारा 3 एंगल दिया हुआ है, यही हमारा 3 एंगल दिया हुआ है, एक ये एंगल और यहाँ कितना है 30 डिग्री है। अब आप x का वैल्यू आपको कितना मिला है 45 डिग्री, जरा पुट कर दीजिए। यहाँ x के जगह पर 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x के जगह पर 45 लिखिए तो 5 × 9 45, 9 × 9 = 54, 54 × 6 ये हमारा कितना आया 60 डिग्री। जब 2 60 60 आ गया तो तीसरा भी कितना होगा 60 डिग्री। तीनों कोण 60 60 का है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है मेरे दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका क्या होगा आंसर होगा, देखिए अच्छा अच्छा सवाल आता है भाई, ठीक है। कैलकुलेशन भी है और समझदारी भी है। अगर कोई x का वैल्यू 45 डिग्री ले भी आया और ये काम करके ना समझ सका तो भी दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। सीखते हैं, आइए सीखते हैं मिलके, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। कहता है इन ट्रेंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 118 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 96 डिग्री, तो कोण ए, एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। अब जरा फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक बात बताइए, अगर ए बी सी हमारा एक ट्रेंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना, थक गए दोस्त, तो तीन, मुंह सूख रहा है, पानी भी नहीं पिए 4-5 घंटे से, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना कहेंगे सर, 180 डिग्री। जरा जी इनको जोड़िए, लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना दिया है 118 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दिया है 96 डिग्री। दोनों को इकट्ठा जोड़ दीजिए, दोनों को इकट्ठा जोड़ दीजिए जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस फिर से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना कहेंगे सर, 118 डिग्री प्लस में 96 डिग्री, ठीक है। इधर देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोण है ए बी और सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, क्या बच जाएगा, एंगल ए बच जाएगा। बराबर इसको जोड़ दीजिए तो 8 और 6 14, 8 और 6
ऐसा करिए, इसको ऐसे जोड़िए, 96 है इधर, 118 है, तो 18 में से 4 यहाँ ले जाइए, 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया और ये बन गया 114, मतलब ये हो गया 214 डिग्री। कितना हो गया? 214 डिग्री। अब देखिए 214 में से 180 को हम जब घटा देंगे तो एंगल ए का वैल्यू नहीं मिल जाएगा मेरे दोस्त, बोलेंगे सर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, तो घटा दीजिए, कितना 180 से कम है 20 और 14, 34 डिग्री, कितना 34 डिग्री एंगल ए का वैल्यू है, कितना 34 डिग्री, 34 डिग्री, कितना 34 डिग्री हमारा क्या है दोस्त, उत्तर है, आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्री के दो सवाल, ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको भी झारखंड के एग्ज़ाम में दिखेंगे मेरे भाई, इसीलिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, डरना नहीं सवालों से, ऐसा नहीं सोचना कि सर क्या क्या सवाल दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर टाइप का सवाल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कि इफ़ यदि साइन 2 थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है, देन साइन 3 थीटा का वैल्यू कितना होगा। एकदम आसान सवाल है, अगर साइन 2 थीटा बराबर दिया है रूट 3/2, जरा आप याद करिए कितना डिग्री पे होता है रूट 3/2, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री पे होता है, इसका मतलब हम रूट 3/2 को साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू कितना बचा 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना बचेगा मेरे दोस्त 30 डिग्री। पूछा है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा और थीटा के जगह पे जाएगा 30 डिग्री, मतलब 30 या 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है जो कि क्या होता है, जीरो होता है, तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, जीरो बनेगा। इस वाले सवाल पे आइए, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है और इसको अगर आप ऐसे तोड़िएगा कि सबका वैल्यू रख देंगे और तोड़ देंगे तो आपका बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल तैयार हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है आपको, गौर से देखना है, आपको गौर से देखना है। नीचे क्या है, साइन 60 प्लस कोस 60, ऊपर क्या है 1 + 2 sin 60 × cos 60, यहाँ क्या है +1 - 2 sin 60 × cos 60 और यहाँ है sin 60 - cos 60। ये कुछ तो इशारा कर रहा है, ये एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आप सबका वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन दानव बन जाएगा, तो उधर नहीं जाना है, सॉरी दोस्त थकान हो रही है, ठीक है, तो आपको आलस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको पढ़ने दीजिए, झेलने का आदत है, झेल लेंगे, मेहनत कर लेंगे, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। देखिए बारिश के मौसम में बारिश आएगी, ठंड के मौसम में ठंड लगेगी, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, और अब जब ज़्यादा थक जाएंगे तो नींद लगेगी, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसको अवॉइड करना है, इस पे इससे आगे निकलना है। नींद आ रहा है, नींद को हटाइए, ठंडा लग रहा है, ठंड में काम करना सीखिए, गर्मी में काम करना सीखिए, बारिश में काम करना सीखिए, ऐसा नहीं कि नहीं आज तो बहुत ठंड है, आज सो जाते हैं, कल से पढ़ लेंगे, तो वह कल भी ठंड रहेगी और ठंड के बाद फिर आपका गर्मी आ जाएगा, फिर बरसात आ जाएगा, फिर ठंड आ जाएगी, तो वैसा आपको नहीं सोचना है, मेहनत करिए और अच्छे से करिए। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा 2AB है, तो ये हमारा क्या है, 1 है। अगर इधर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से बना सकते हैं। देखिए एग्जामिनर कितना अच्छा चीज़ लिखा है, कितना अच्छा चीज़ लिखा है, हम आपको समझाते हैं। इस वन के जगह पे क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल। तो थीटा की जगह पे हम कोई भी डिग्री रख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 की जगह पे ये क्या रखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको 1 के जगह पे देखना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का क्या होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। और नीचे में क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ये है नीचे में हमारा। प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 के जगह पे आपको क्या देखना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, और ये साइन 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस कोस डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, बिल्कुल। और नीचे में क्या है देखिए, तो साइन 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो आंसर तो आप इसका भरवले निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक पेयर कटम कुटम हो जाएगा, ये एक पेयर कटम कुटम हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। देखिए माइनस कोस 60 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री 2 साइन 60 डिग्री 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, रूट 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा ही मज़ेदार सवाल था भाई, ठीक है। तो सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, मॉडल सेट 1, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा चीज़ों को समझिए, और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी तरीका का लिंक है, हमारा ऐप का लिंक, हमारा कोर्स का लिंक, सब आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हमारी जो कोर्स का फ़ी है वो अभी 399 हो गया है बढ़ के, आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स में बहुत परेशानी है तो। अगर आप झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत सही रहेगा। आप एक बार सोच सकते हैं, आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।